बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू इज फॉरवर्ड काउंटिंग। वी आर गोइंग टू राइट फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 51 to 80। और बेटा आज का जो काम है वो हम अपनी मैथ्स की नीट कॉपी पे करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मैथ्स कॉपी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने आज का पेज जो है वो किस तरह प्रिपेयर करना है। यू आर गोइंग टू राइट सी डॉट डब्ल्यू इन द मिडल ऑफ योर मार्जिन लाइन। सी स्टैंड्स फॉर क्लास एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क। बेटा आपने सी और W दोनों सेम साइज़ के राइट करने हैं। किसी बच्चे ने ये नहीं करना कि C बड़ा लिख दिया और W छोटा लिख दिया, या C छोटा लिख दिया और W बड़ा लिख दिया। अब आपने मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड पे आज की डेट राइट करनी है और मार्जिन लाइन के राइट साइड पे आपने अपना नेम राइट करना है। उसके बाद बेटा यू आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी लाइन, जस्ट स्किप वन बॉक्स फ्रॉम योर लेफ्ट साइड एंड राइट कैपिटल एफ, एफ ओ आर फॉर डब्ल्यू ए आर डी वर्ड, फॉर वर्ड। गिव वन फिंगर गैप एंड राइट सी ओ यू एन टी काउंट आई एन जी इंक काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। अगेन give one finger gap and write 51, small line draw करें and write 80। अब बेटा जहाँ आपने forward counting लिखा है उससे नीचे you are going to skip one line and write 51। tens वाले box में you are going to write 5 और ones वाले box में you are going to write 1। ये है 5 की family। आपने 5 की फॉर्मेशन बेटा आपको मैम ने अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई है। किसी बच्चे का भी जो 5 है वो बॉक्स पे स्टॉप नहीं करेगा, आपका 5 की जो बैली है वो बॉक्स से थोड़ी सी ऊपर जाएगी। आफ्टर 51 स्किप वन बॉक्स राइट 52। बेटा 2 की फॉर्मेशन भी आपको मैम ने समझाई हुई है कि आपने 2 किस तरह राइट करना है। 2 की नेक आपने बिल्कुल इस तरह बनानी है जैसे डक की नेक होती है, ठीक है बच्चे। आफ्टर 52 अगेन स्किप वन बॉक्स राइट 53। 3 की भी बैली जो है वो बॉक्स पे स्टॉप नहीं करेगी, वो बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर जाएगी। आफ्टर 53 राइट 54 अगेन स्किप वन बॉक्स राइट 55। जी बेटा इस फॉर्मेशन को देखें, क्या ये फॉर्मेशन सही है? नो, ये फॉर्मेशन सही नहीं है, ये रॉन्ग फॉर्मेशंस हैं। किसी भी बच्चे ने इस तरह 2, 3 या 5 राइट नहीं करना। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा। व्हाट कम आफ्टर 55? वेरी गुड, 56। राइट 56, स्किप वन बॉक्स राइट 57, स्किप वन बॉक्स राइट 58, 59, 60, 60। 5 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने 2 बॉक्सेस स्किप करने हैं एंड राइट 61। अब 6 की फैमिली स्टार्ट हो गई है। जी बेटा व्हाट कम्स आफ्टर 61? 62। जिस तरह आपने 5 की फैमिली नीट फॉर्मेशन में लिखी है इसी तरह आपने 6 की फैमिली को भी नीट फॉर्मेशन में लिखना है, जैसे आपको मैम की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। 61, 62, स्किप वन बॉक्स राइट 63, अगेन स्किप वन बॉक्स 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70। 6 की फैमिली भी कंप्लीट हो गई है। अब 6 के बाद किसकी फैमिली आती है नेक्स्ट? 7 की फैमिली आती है। लेकिन उससे पहले कि आप 7 की फैमिली राइट करें, अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ फॉर्मेशंस जो रॉन्ग है।
किसी बच्चे ने भी बेटा इस तरह 2, 3, 5, 8, 9 ये राइट नहीं करने हैं, ये सारी फॉर्मेशन रॉन्ग फॉर्मेशंस हैं। आपने वो फॉर्मेशन राइट करनी है जो आपकी मैम ने बताई हुई है। जी अगेन वी आर गोइंग टू स्किप टू बॉक्सेस, राइट 7171 और इसी तरह आप 7 की लाइन भी कंप्लीट करेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर 71? 72, स्किप वन बॉक्स, राइट 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80। हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया है। आपने इस फॉर्मेशन को बार बार देखना है, मैम की फॉर्मेशन को ही फॉलो करना है और इसी तरह नीट पैटर्न पे आपने आज का काम अपना कंप्लीट करना है। हमारा मैथ्स का काम आज का कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।